हेलो डियर, कहीं मुझे आने में देरी तो नहीं हुई? नहीं, मैं अभी जस्ट आई हूँ। सॉरी डियर, वो ट्रैफिक जाम भी ना। बताओ क्या लोगी? ए चाचा, पता है ना आज स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। स्पेशल गेस्ट कौन? अरे आज अपने सेठ के पिताजी पहली बार इस होटल पे आने वाले हैं। ये खबर तो बिल्कुल बासी है, मुझे तो सुबह से पता है। ठीक है ठीक है, लेकिन खाना बासी मत बनाना। जाओ अपना काम करो, मुझे मत सिखाओ। ठीक है, इतना क्यों भड़क रहे हो चाचा? हे सर, मैडम, क्या लेंगे आप? बताओ क्या लोगी? यहाँ स्पेशल क्या है? यहाँ की तो हर चीज स्पेशल है। वैसे आप वेज ट्राई करोगी या नॉन वेज? जो अच्छा है वो लेके आओ। ठीक है मैडम, वेट अ मोमेंट, मैं आपके लिए बढ़िया सा खाना लेकर आता हूँ। देखो, एक बढ़िया सा चिकन मंचूरियन बनाओ। पर वो तो अमेरिकन लग रहे हैं। जितना बोला है उतना करो, अपना दिमाग मत लगाओ। अब ध्यान का है तुम्हारा? क्या तुम्हें पता नहीं हमारे होटल का रेपुटेशन? क्या क्या हुआ सर? वो गांव का गवार बुढ़ा आदमी जो टेबल पर बैठा है, क्या वो तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम्हें पता है ना कि आज होटल के मालिक के भी मालिक आज आ रहे हैं पहली बार। हाँ सर, पर उनको आने में और टाइम है ना, उनके आने तक टेबल खाली हो जाएगी। और तुम्हें यह भी पता होगा कि यह होटल उनके लिए रिजर्व है। सर बर मत करो, मैं कुछ नहीं जानता। उस बुड्ढे को बाहर निकालो। अब उसे कैसे निकालना है वो तुम अच्छे से जानते हो। हाँ सर। देखो अंकल, ये सीट रिजर्व है, आप प्लीज कभी और आना। ठीक है, मुझे कहीं और सीट दे दो, मैं थोड़ी देर में चला जाऊंगा। देखो अंकल, आप समझ नहीं रहे हो, वो गेस्ट कभी भी आ सकते हैं, आपको जाना होगा। ये क्या बात हुई? वहां पे और भी तो टेबल्स खाली हैं, मैं कहीं पे भी एडजस्ट कर सकता हूँ। आप समझ नहीं रहे हो, आज पूरा होटल बुक है, इसलिए आपको जाना होगा। आई एम सॉरी। पर मैं तो यहाँ पर बैठ चुका हूँ। देखो, मेरी नौकरी का सवाल है, लगा तो आप दूसरे होटल में जाइए, मैं आपको पैसे देता हूँ। वैसे भी ये होटल बहुत महंगा है, आपके सारे पैसे यही खत्म हो जाएंगे। देखिए, तुम पैसे की फिक्र मत करो, देखो मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। ठीक है सर, क्या लेंगे आप? यहाँ का सबसे महंगा डिश लेके आओ। ठीक है सर। ओ, आई एम सॉरी, मुझसे गलती से गिर गया, अब आपको जाना ही होगा। ये क्या बदतमीजी हुई? ये कैसा शोर है? सर, एक बदतमीज कस्टमर है, उसे है हम हैंडल कर लेंगे। अरे पापा, आप मुझसे पहले आ गए, आपके लिए तो ऊपर लॉज बुक किया था, ये आपके ड्रेस को क्या हुआ? बेटा, तुम्हें पता है तुम्हारा स्टाफ कितना बदतमीज है? देखो, वो मुझे भिखारी समझ रहा है, मुझे यहाँ से निकालने की बात कर रहा है, मुझे धमका रहा है। क्या ऐसा बर्ताव ये लोग सब आम कस्टमर से ऐसा ही करते हैं? क्या तुम्हारा होटल सिर्फ अमीरों के लिए है? आम आदमी यहाँ नहीं आ सकते? मैनेजर, इधर आओ। क्या तुम इन्हें जानते हो? ये कौन है? सॉरी सर, नहीं, ये इस होटल के मालिक हैं। माफ करना सर, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वेटर, इधर आओ।
तुम्हें पता नहीं कस्टमर के साथ कैसे बात करते हैं। सॉरी सर, सर वो आपने ही तो कहा था। चुप करो, कस्टमर से बहस करते हो शर्म नहीं आती? पता है ये कौन है? हमारे मालिक के पिताजी हैं, हमारे बड़े सेठ। तुम चुप करो, ये सब मिले हुए हैं। क्या आम आदमी होटल में नहीं आ सकता? ऐसे बदतमीज स्टाफ को निकाल के जरूरतमंद लोगों को काम पे रखना चाहिए। जी पिताजी। मैनेजर, आज से तुम्हारी ड्यूटी सिक्योरिटी की है। पूरा एक महीना तुम सिक्योरिटी बनोगे, और वेटर तुम एक महीने के लिए किचन के सारे बर्तन साफ करोगे, समझे? अब जाओ यहाँ से।